नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे स्टूडेंट को मेरा प्यार भरा जय हिंद माई सेल्फ प्रेमांक शर्मा टुडे आई एम हियर टू डिस्कस दी मेमोरी बेस्ड सॉल्यूशंस ऑफ जय मैन क्वेश्चन पेपर विच इज़ हेल्ड ऑन 26 जून 2022 ओके लेट टू स्टार्ट फ्रॉम दस्ट रिट्री क्वेश्चन दीज क्वेश्चन आर मेमोरी बेस्ड तो फर्स्ट क्वेश्चन इज From limit limit extending to 0 cos sin x minus cos x upon x power 4. It is very easy equation. So, let us start. So, this equals to limit extending to 0, cos c minus cos d. So, minus 2 sin c plus d by 2 sin x plus x divided by 2 multiplied by d minus c but minus already we have already taken common. So, sin साइन एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाई टू अपॉन एक्स टू दावर फोर ओके ना वी विल अप्लाई स्टैंडर्ड लिमिट साइन जीरो अपॉन जीरो सो मल्टीप्लाई डिवाइड करने का प्रोसेस रहेगा सो दिस इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस टू एज इट इज लिया साइन जीरो तो साइन जीरो अपॉन्ट जीरो वाला फॉर्मेट में चेंज करते हैं सो साइन साइन एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड बाई टू अपॉन साइन एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड बाय टू तो डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करेंगे तो साइन एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड बाय टू ये मल्टीप्लाई किया ये स्टैंडर्ड लिमिट में कन्वर्ट हो साइन जीरो अपॉन जीरो सिमिलरली ये भी अप्लाई कर देते हैं सो साइन साइन एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाय टू अपॉन जो रिजल्ट था हमारे पास तो so, यहां से साइन x माइनस एक्स डिवाइडेड बाय टू सिमिलरली मल्टीप्लाइड बाई साइन x माइनस एक्स अपॉन टू और सबके जो मल्टीप्लीकेशन में है वन बाई एक्स पावर फोर तो डिवाइडेड बाय एक्स पावर फोर यहां एज इट इज लिया तो ये स्टैंडर्ड लिमिट वाला पार्ट कन्वर्ट हो गया ये वन हो गया ये भी वन हो गया सो इन नेक्स्ट स्टेप माइनस टू न्यूमिनेटर में फोर यहां पर और एक्स पावर फोर भी डिनोमिनेटर में सो वी गेट लिमिट एक्सटेंडिंग to जीरो now साइन एक्स प्लस एक्स अपॉन टू साइन एक्स माइनस एक्स अपॉन टू तो यहाँ से एक्सपेंशन यूज कर लेते हैं माइनस टू इज देयर एंड माइनस 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 प्लस तो फोर सो माइनस टू बाई फोर एक्सपेंशन ऑफ साइन एक्स तो एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल थ्री प्लस हायर पावर्स ऑफ एक्स लास्ट प्लस एक्स सिमिलरली इस फैक्टर के लिए भी चेंज करते हैं तो एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्ट्रल थ्री प्लस हायर पावर्स ऑफ एक्स एंड लास्टली माइनस एक्स डिवीजन में कंप्लीट कितना है हमारे पास एक्स पावर फोर ओके अब यहां से तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे सो so, हो जाएगा यहां पे ये यह एक्स और ये वाला एक्स क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा तो so, इस फैक्टर में से क्या कॉमन आया एक्स क्यूब इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा एक्स तो एक्स पावर फोर से एक्स पावर फोर कैंसिल आउट हो जाएगा उसके बाद टेकिंग लिमिट इंडिटर्मिनेंट फॉर्म क्या हो जाएगी रिमूव हो जाएगी सो लिमिट लेंगे तो so, हमें क्या मिलेगा यहां से देखिए माइनस टू अपॉन फोर मल्टीप्लाइड बाय अब यहां से कितना आएगा टू यहां से कितना आ जाएगा माइनस वन बाय सिक्स तो माइनस टू बाय सिक्स सो आंसर विल बी वन बाय सिक्स सो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन तो आई थिंक ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था इजी क्वेश्चन था नाउ मूव ऑन सेकेंड क्वेश्चन दिस इज द इजिएस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टेस्ट पेपर

मल्टीप्लाइड बाय बाय फोर साइन थ्री ए साइन थ्री ए साइन सिक्सटी डिग्री ठीक है सो फोर मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ थ्री बाय टू ये आंसर जाएगा सो टू स्क्वायर रूट ऑफ थ्री दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर नाउ मूव ऑन थर्ड क्वेश्चन लेट वाइक्स रिप्रेजेंट दॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इजीली कैन बी रिड्यूज इन लीनियर फॉर्म एंड अनादर फंक्शन इज डेड एक्स which is in terms of yx yx is the solution of this differential equation and we have to find the maximum possible value of zx so first of all we need to calculate yx so let us start dy by dx so y dash plus 2 upon x y is equals to e power x this is linear differential equation so we calculate integrating factor so integrating factor is equals to e power integration of 1 upon सॉरी टू अपॉन एक्स डी एक्स विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया तो सॉल्यूशन क्या मिला मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स डी एक्स इसको सिंपलीफाई करते हैं प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लास्ट में एड करिए अभी एड कर दीजिए एक ही बात है सो वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बाई पार्ट्स लगाते हैं यहाँ पे तो दिस इज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकेंड फंक्शन ठीक है फर्स्ट कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सो एक्स स्क्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन टू एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ई पावर इज एन कंप्लीट इंटीग्रेशन प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एज इट इज ए नाउ अगेन वी विल यूज बाय पार्ट्स, सो वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल माइनस फर्स्ट कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड सो माइनस टू एक्स माइनस माइनस प्लस ठीक है

इज इक्वस टू एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स माइनस टू एक्स ई पावर एक्स प्लस टू ई पावर एक्स माइनस ई नाउ मू टू जेड एक्स जेड एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई एक्स एक्स स्क्वायर वाई एक्स ऑलरेडी अपने पास है माइनस ई पावर एक्स सो जेड एक्स इज इक्वस टू एक्स स्क्वायर वाई एक्स एक्स स्क्वायर वाई एक्स इसके एक्वल है एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स माइनस टू एक्स ई पावर एक्स प्लस टू ई पावर एक्स माइनस ई फाइनली माइनस ई पावर एक्स तो माइनस ई पावर एक्स दिस द फंक्शन ऑफ जेड सो जेड एक्स इज इक्वल्स टू अब देखिए ई पावर एक्स नेगेटिव है ई पावर एक्स पॉजिटिव है तो so, एक बचेगा सब में से ई पावर एक्स कॉमन आ गया सो वी गेट एक्स माइनस वन होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ई पावर एक्स माइनस ई दिस इज जेड एक्स अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है इट मीन डिफेंशियट कर लेते हैं डिफेंशियबल है सो जेड डैश एक्स कॉन्स्टेंट का तो जीरो हो जाएगा बाई पार्ट्स लगा देते हैं तो e तो तो ई पावर एक्स एक्स सब में आना ही है दिस इज माइनस होल स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस वन ओके सो ई पावर एक्स एक्स माइनस वन अपन ने कॉमन ले लिया मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस वन प्लस टू सो दिस इज एक्स प्लस वन क्या मिल जाएगा हमें एक्स प्लस वन तो क्रिटिकल वैल्यूज जो आई हमारे पास दिस इज माइनस वन एंड प्लस वन सो प्लस माइनस प्लस अब हमें क्या निकालना है मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू तो मैक्सिमा कहां पर आ रहा है माइनस वन पे सो एट एट एक्स इक्वल टू माइनस वन एट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन सो दिस इंप्लाइज जेड ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू जेड ऑफ माइनस वन निकाल लेते हैं तो वैल्यू यहां पर पुट कर देते हैं अपन माइनस वन माइनस वन माइनस टू मल्टीप्लाई करेंगे फोर ठीक है सो फोर अपॉन ई माइनस ई This is maximum possible value, 4 upon e minus e. So first option is the correct option. Yes, move on. Question number four. This is from complex number. If z square plus z plus one is equals to zero, where z is a complex number, then the value of this expression. So z square plus z plus one is equals to zero. Roots of this equation will be omega n, omega square, imaginary cube roots of unity.

वन प्लस वन प्लस वन अब इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है और ओमेगा क्यूब या ओमेगा पावर थ्री एन इज इक्वल्स टू वन ये भी हमें अच्छे से मालूम है ठीक है अब यहाँ पे अगर अपन देखें ए प्लस बी होल स्क्वायर तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पे अपन एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने तो तो अपन लास्ट में कंसिडर कर लेंगे ओके सो समेशन फ्रॉम एन इज इक्वल्स टू वन टू फिफ्टीन मल्टीप्लाइड बाई अब यहाँ पे ए स्क्वायर लिखा अपन ने सो दिस इज जेड पावर टू एन प्लस बी स्क्वायर लिखा तो माइनस वन पावर टू एन तो प्लस वन तो वन अपोन जेड पावर टू एन प्लस टू माइनस वन पावर एन ओके ये रिजल्ट आएगा हमारे पास जेड कैन टैक वैल्यूज ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर सपोज जेड इक्व टू ओमेगा ओके तो यहाँ से जो रिजल्ट आया भाई जेड इज इक्वल्स टू ओमेगा तो हमें मालूम है ओमेगा क्यूब इज इक्वस टू वन सो ओमेगा इज इक्वल्स टू वन अपोन ओमेगा स्क्वायर ये भी लिखा जा सकता है ओके okay? तो इसको सिंप्लीफाई करें समेशन फ्रॉम एन इज इक्वल टू वन टू फिफ्टीन अलग अलग भी कर सकते हैं इस तरीके से भी लिख सकते हैं अपन यहां पे इसको जेड पावर या जेड इजल्स टू ओमेगा सो ओमेगा पावर टू एन ओके प्लस समेशन फ्रॉम एन इज इक्वल टू वन टू फिफ्टीन अब यहां पे देखिए तो वन अपॉन ओमेगा स्क्वायर विल बी ओमेगा सो ओमेगा पावर एन प्लस ट्वाइस समेशन माइनस वन पावर एन फ्रॉम एन इज इक्वल टू वन टू फिफ्टीन ओके और हमें क्या निकालना है बेसिकली इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है अब यहां पे मोड लगा देते हैं अपन यहां पे ओके okay? अब इसको कैलकुलेट करते हैं एन इज इक्वल टू वन पे कितना आ गया ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा पावर फोर देन ओमेगा पावर सिक्स ओके तो यहां पे तीन तीन का जब कॉम्बिनेशन लेंगे तीन तीन का कॉम्बिनेशन तो वैल्यू क्या मिलती जाएगी जीरो ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं फाइव कॉम्बिनेशन बन रहे हैं ओमेगा पावर टू ओमेगा पावर फोर ओमेगा पावर सिक्स ओमेगा पावर सिक्स इज वन जीरो बनेंगे इस तरह से तो प्लस जीरो माइनस प्लस चलेगा स्टार्टिंग माइनस होगी लास्ट भी माइनस होगी तो माइनस प्लस कैंसिल माइनस प्लस कैंसिल तो क्या मिला लास्ट में मेंल्टीप्लाइड बाई टू सो दिस इज माइनस टू और एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है तो आंसर विल बी टू टफ क्वेश्चन नहीं था ठीक क्वेश्चन था नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट पी एंड क्यू बी रियल नंबर सजेट पी प्लस टू थ्री एंड पी पावर फोर प्लस क्यू पावर फोर इज इक्व टू थ्री सिक्सटी नाइन देन वीव टू कैल्कुलेट दैल्यू ऑफ One upon p plus one upon q whole power minus two. So basically, we have to calculate p q, p square q square divided by p plus q whole square. Okay. A p plus q is given three. So p plus q whole square is equals to. So p square q square divided by nine. Okay. So finally, target is we have to calculate p square q square. It is given to us. So

एज्यूम कर लेते हैं लेट पी क्यू इज इक्वल टू एक्स प्रोडक्ट ऑफ पी क्यू इज एक्स सो नाइन माइनस टू एक्स होल स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर ओके पी क्यू इज इक्वल टू एक्स तो टू एक्स स्क्वायर थोड़ा एक्सप्लेंड करते हैं इसको सो थ्री सिक्सटी नाइन इज इक्वल टू एटी वन प्लस फोर एक्स स्क्वायर माइनस थर्टी सिक्स एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर ये रिजल्ट आ गया हमारे पास ठीक है अब इस क्वाड्रेटिक को सिम्प्लीफाई करते हैं सो टू एक्स स्क्वायर माइनस थर्टी सिक्स एक्स प्लस एट्टी वन माइनस थ्री सिक्सटी नाइन इज इक्वल्स टू जीरो ठीक है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या क्या रिजल्ट मिलेगा यहाँ पे x इक्वल्स टू ट्वेंटी फोर और x इज इक्वल्स टू माइनस सिक्स देर आर टू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x सो so, x इज इक्वल्स टू पी क्यू so pq is equals to 24 and second is pq is equals to minus 6 okay now pq is equals to 24 and p plus q p plus q is given 3 तो so, ये जो result है ये आपको imaginary values provide करेगा जबकि यहाँ पे p plus q is equals to 3 and pq is equals to minus 6 ये आपको real values provide करेगा ठीक है तो हमें जो value calculate करनी थी वो इसके equal था so p square q is square this is equals to थर्टी सिक्स डिवाइडेड बाई नाइन ये रिजल्ट मिल गया हमें यहां पे ठीक है तो जो रिजल्ट आया हमारे पास कितना आ गया थर्ड ऑप्शन विच इज फोर